and you're watching Exposed India. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोक भवन में फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट संस्थान का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन और अभिनेता अभिषेक बच्चन भी मौजूद रहे। यूपी में बनी 70 फिल्मों में सरकार ने 21 फिल्मों को अनुदान दिया है। यह अनुदान राशि लगभग 7 लाख से 2 करोड़ तक की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में फिल्म इंडस्ट्री आने से सोच बदलेगी। चुनावों को देखते हुए सीएम ने कहा कि लोक भवन में ये उनका आखिरी कार्यक्रम है। यूपी चुनाव में सपा के मुकाबले कोई पार्टी नहीं है। कार्यकर्ता दोबारा सरकार बनाने का संकल्प लें। इस कार्यक्रम में अखिलेश ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। मैं सबसे पहले फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उनका सहयोग उनकी मदद समय समय पर मिलेगी तो इंस्टीट्यूट ग्रो भी करेगी। बन जाए अच्छी, लेकिन वो इंस्टीट्यूट ग्रो ना करे तो शायद हमारा आपका मकसद हल नहीं होगा। और फिर जो चीज़ उत्तर प्रदेश में हो रही, जिस उत्तर प्रदेश से न जाने कितने लोगों का नाम जुड़ा है, अगर मुंबई में कोई जाए और कहे कि ये घर उनका है, उसके पास से निकले, गर्व होता है। शायद हम उत्तर प्रदेश वालों को ज़्यादा उससे भी ज़्यादा गर्व होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ा नाम किसी का है तो वो आदमी अमिताभ बच्चन जी का है। अपने तमाम सभी प्रतिष्ठित लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनेगी और साथ ही साथ समाजवादियों की सरकार भी दोबारा बनेगी, क्योंकि कोई मुकाबले में नहीं है। इसीलिए देखा होगा काम में कोई काम बताना ही नहीं चाहता। ये दूसरे सरकार वाले लोग हैं, काम ही नहीं बताना चाहते। अगर कोई काम बताया होता तो हम भी जवाब देते। और ऐसा उलझा दिया लोगों को, ऐसा उलझाया है लोगों की कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि सोचें कब और सब के सब लाइन में लग करके खड़े हैं अभी तक। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया।